Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. Assalamualaikum. इस नेक्स्ट वीडियो में हम मेन्यूज़ की तरफ चलते हैं. वर्डप्रेस में मेन्यूज़ किस तरह से बिल्कुल बेसिक से किस तरह से आपने क्रिएट करने हैं और इसकी कस्टमाइजेशन किस तरह से करनी है. प्रीवियस वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ा है, वहाँ से अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी आप कंप्लीट देख सकते हैं. उसमें डिफरेंट टॉपिक पे अलग अलग वीडियो क्रिएट की है. तो चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ. इस वेबसाइट पे आप मेन्यूज़ क्रिएट करने हैं. तो अपीयरेंस में आपने जाना है. अपीयरेंस में देखें, यहाँ पे ये मेन्यूज़ का ऑप्शन है. मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे. अभी फ़िलहाल हमारी वेबसाइट पे कोई भी मेन्यू क्रिएट नहीं है. मेन्यूज़ क्या होते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल यही वेबसाइट ले लेते हैं. ये सारी जो चीज़ है यहाँ पे हमारे पेजेस हैं, कैटेगरीज हैं, पोस्ट हैं, हम कोई भी एक्सटर्नल यूआरएल है, कुछ भी है आप मेन्यूज़ में क्रिएट कर सकते हैं. उसमें कैटेगरी भी आती है, पेज भी आ सकते हैं, पोस्ट भी आ सकते हैं. उसकी एग्जांपल के लिए ये एक वेबसाइट है. यानी आपने किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, कौन सा टॉप पे शो होगा, उसके बाद सब लिस्ट क्या होगी, वो आपने यहाँ से मेन्यू से आप डिज़ाइन करते हैं. अब हम अपने मेन्यू का कोई भी नेम रख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेन्यू लिस्ट 1 रखती हूँ. अब ये शो कहाँ पे होगा, इसको हम फ़िलहाल मेन मेन्यू का नाम देते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं. जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये दिखे. अब यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, हमारे पेजेस आ रहे हैं, हम पोस्ट ला सकते हैं इसमें और कस्टम लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, कैटेगरीज भी इसमें से हम इंपोर्ट कर सकते हैं. ये सारी कैटेगरीज हैं जो हमने इसमें ऑलरेडी क्रिएट की हैं. तो यहाँ पे पोस्ट को चेक करते हैं, शो नहीं हो रही, हमें पब्लिश पे क्लिक नहीं किया. यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, अब हमारी पोस्ट भी शो हो जाएगी. रीसेंट पोस्ट पे अब मेन्यूज़ में हमने अपीयरेंस पे जाके मेन्यूज़ में हमने मेन्यू क्रिएट किया, मेन्यू लिस्ट 1. अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम चाहते हैं हमारा होम पेज शो हो, उसके बाद कुछ कैटेगरीज शो हो. यानी यहाँ पे हमारी वुमेन, मेन और किड्स ऐड मेन्यू करते हैं. और यहाँ पे पेजेस कौन से सिलेक्ट किए थे, होम. तो अब देखिए इसको हमने ऑर्गेनाइज कैसे करना है. होम सबसे पहले ला रहे हैं, उसके बाद हम चाहते हैं वुमेन शो हो और मेन और किड. ये हायरार्की है. अब देखिए यहाँ पे सामने लिखा आ रहा है कि ये पेज है, ये कैटेगरी है. और अब ये सब कैटेगरीज़ को भी इम्पोर्ट कर लेते हैं. अब इसको हमने देखें पेरेंट कैटेगरी ये बनानी है. तो ये इस तरह से, अब जैसे आप चाहते हैं कि ये सब कैटेगरी में जाए तो आपने इसको सिंपली थोड़ा सा मूव करना है. और ये देखें सब आइटम, अगर आप थर्ड पे लेके जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसको लेके जा रही हूँ, तो ये सब आइटम यानी ये हायरार्की बन जाएगी समर. और ये 3-3 वाली हायरार्की, अभी फ़िलहाल हमने इसको 2 वाली हायरार्की में रखते हैं. मेन है तो मेंस क्लॉथिंग यहाँ पे आ जाएगा, किड्स है तो किड्स क्लॉथिंग यहाँ पे. फ़िलहाल बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं. और उसके बाद हम कॉन्टेक्ट अस और सर्विसेज का पेज ऐड करते हैं. जस्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, पेज है, पोस्ट है, कस्टम लिंक अगर करना चाह रहे हैं कोई भी. कस्टम लिंक ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कोई चैनल है, यहाँ पे मैंने चैनल का लिंक कॉपी किया और यहाँ पे मैंने URL पेस्ट किया. और
माय चैनल के नाम से ये ऐड मेन्यू कर दिया। और ये देखें, ये आ चुका है यहाँ पे कॉन्टेक्ट सर्विसेज। अब इसको सेव करते हैं, सेव मेन्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, होम, वुमेन और यहाँ पे मेन, किड्स और सर्विसेज कॉन्टेक्ट। और ये देखें, माय चैनल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये मेरा चैनल शो हो रहा है। और क्योंकि हमने अभी मेंस पे ये कैटेगरी हमने डिज़ाइन की है, किड्स भी कैटेगरी है, कुछ भी नहीं, ये एम्प्टी है, होम पेज भी एम्प्टी है, कुछ भी कस्टमाइजेशन ही की, तो अभी फ़िलहाल इसका कुछ भी इसको नहीं करते। जस्ट सिंपली इस वीडियो में इसका पर्पज़ ये है कि आपने किस तरह से मेन्यूज़ क्रिएट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक और न्यू मेन्यू क्रिएट करना है इसके अलावा, क्योंकि जब हम आप फर्दर कस्टमाइजेशन में जाते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लिस्ट होती है कि आपने ये, जब मेन्यू क्रिएट हो जाता है तो आपको बार बार वहाँ पर लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली आप मेन्यू लिस्ट 1 चूज़ करते हैं तो यहाँ पे मेन्यू लिस्ट 1 आ जाता है। जैसे क्रिएट न्यू 1 है, यहाँ पे मैं मेन्यू लिस्ट 2, यानी कुछ हो सकता है कि मैं इसको फूटर के लिए कोई अपनी लिस्ट क्रिएट करी हो। फूटर का क्या मतलब होता है? फूटर हमारी वेबसाइट का ये वाला एरिया होता है, वेरी बिलो एरिया। यहाँ पे कस्टमाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे फूटर पे मैं क्या क्या चीज़ें लाना चाह रही हूँ, जा रही हूँ कि जितनी भी मेरी कैटेगरीज हैं, टैग्स हैं, वो सब यहाँ पे शो हो। तो ये मैं सब यहाँ पे इस तरह से कर रही हूँ इसको, और सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखें, ये सारी लिस्ट यहाँ पे आ रही है। और फर्दर पेजेस अगर ऐड करने हो, अगर पेजेस भी ऐड करने हैं, ये भी हमारे शो हो, तो ऐड मेन्यू पे क्लिक करें। तो ये देखें, यहाँ पे ये तीनों पेजेस आ चुके। सेव पे क्लिक किया और यहाँ पे देखें एक चीज़, ये मैंने फुटर का कर रही हूँ और यहाँ पे मेरा मेन्यू लिस्ट 2 है। ये देखिए, यहाँ पे मेन्यू लिस्ट 1 की कस्टमाइजेशन करनी है तो आपने मेन्यू लिस्ट 1 पे जाना है, मेन्यू लिस्ट 2 की कस्टमाइजेशन करनी है तो 2 में। अभी मैं फूटर की कर रही हूँ, ये इस तरह से। अब फॉर एग्जांपल, हमें लग रहा है कि हमारे फर्स्ट मेन्यू लिस्ट में कोई चीज़ मिसिंग थी, हमें एडिट करनी है, तो आपने मेन्यू लिस्ट 1 यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ये आगे मेन्यू लिस्ट 1, और यहाँ पे आप टॉप बार पे जा रहे हैं या कुछ भी इसकी फर्दर एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अगेन इसको, ये देखें, यहाँ पे आप ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक किया, अप वन डाउन और इसकी फर्दर जितनी भी सेटिंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अलग अलग मेन्यूज़ क्रिएट कर लें तो हमें होता है कि हमने यहाँ पे अपने हेडर पे कौन सी लिस्ट रखनी है और फूटर पे कौन सी लिस्ट रखनी है। जैसे ये देखें ना, यहाँ पे एक वेबसाइट है स्टाइलो की, इन्होंने यहाँ पे अबाउट की, ये इन्होंने एक लिस्ट रखी हुई है हेडर पे अपनी। और ये देखिए, अगर जैसे फूटर पे जाते हैं तो एक इन्होंने मेन्यू क्रिएट किया है अबाउट का, और ये इसका इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, कुछ इंफॉर्मेशन है, फिर कुछ साइज़ चार्ट, और इस तरह से डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो जैसे हम यहाँ पे जितनी लिस्ट यहाँ पे अलग अलग क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हम, जब हम इसकी कस्टमाइजेशन में जाएंगे तो विजर्ड में हम यहाँ पे इसी तरह 4 लेयर्स ऐड करके या 5 कॉलम ऐड करके हम वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरा पर्पज़ बेसिक से है तो मैं इसको एडवांस की तरफ नहीं जाऊँगी। फर्दर वीडियोज़ में हम एडवांस पे भी काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।